हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है प्रेसी शीट। ओके, आपको इस तरह की प्रेसी शीट मिलती है, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये होती है प्रेसी शीट। ओके, अब मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो। ओके, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, स्पेशल शीट फॉर प्रेसी। अब ये जो प्रेसी शीट होती है कभी कभी आपको अलग से मिलती है, अगर अलग से मिलती है तो आपका जो मेन आंसर बुकलेट है उससे आपको टाई करना पड़ेगा। ओके, फास्टन करना पड़ेगा। यदि अटैच मिलती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, राइट वन वर्ड इन ईच डिविजन। यानी ये जो बॉक्स है ये डिविजन है, ये एक डिविजन, ये सेकेंड डिविजन, थर्ड डिविजन, फोर्थ, फिफ्थ, एंड फाइव वर्ड्स इन ईच लाइन। यानी एक लाइन में फाइव वर्ड्स है। क्यों फाइव वर्ड्स है? क्योंकि फाइव बॉक्सेस है, एक बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स। पंचुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे, जिस तरह से अपने पैसेज को आप पंचुएट करते हो, कहने का मतलब फुल स्टॉप लगाते हो, कॉमा लगाते हो, वैसे ही पंचुएट करना है। एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स इफ नेसेसरी, यदि आपको लगता है कि पैराग्राफ में चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। हालांकि मैंने अपने इंस्ट्रक्शन बताया कि पैराग्राफ मत चेंज करो, क्योंकि पैराग्राफ चेंज करने में आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो कोशिश करो कि पैराग्राफ नहीं चेंज करो, मगर यदि आप पैराग्राफ चेंज करते हो तो आपको एक पूरी की पूरी लाइन का गैप छोड़ना पड़ेगा। ये पूरा जो बॉक्सेस है ना, तो आपको एक लाइन का जो बॉक्सेस है वो पूरा गैप छोड़ना पड़ेगा और फिर पैरा चेंज करोगे। हालांकि इसमें साफ इंस्ट्रक्शन में दिया है कि अगर आपको पैरा चेंज करने का मन है तो आप कर सकते हो। ओके, तो पैरा जब भी चेंज करो तो ये जो पूरा लाइन है ये पूरे लाइन का आपको गैप छोड़ना पड़ेगा, और एक लाइन में फाइव बॉक्सेस होते हैं। यू मे मेक अ रफ कॉपी फर्स्ट If you so wish on the rough pages in the answer book, यानी आपको मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया था प्रेसी का कि डायरेक्ट प्रेसी आप इस प्रेसी शीट में मत लिखा करो, सबसे पहले आप रफ बनाया करो। तो मैं आपको बताती हूँ रफ वर्क कहाँ पर करना है, ये है 32 पेज। ओके, यानी 33 पेजेस से आपका रफ वर्क शुरू हो रहा है, स्पेस फॉर रफ वर्क। ओके, तो आप यहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हो। देखिए 33 पेज में रफ वर्क, स्पेस फॉर रफ वर्क, फिर 34 पेज में भी रफ वर्क, 35 पेज में भी रफ वर्क, और 36 पेज में भी रफ वर्क। यानी इन रफ शीट में आप अपनी प्रेसी लिखोगे, और उसके बाद जब प्रेसी लिख लोगे और आपका सारा प्रेसी का काम खत्म हो जाएगा तो जो भी आपने रफ वर्क किया है इस रफ पेज में उसको स्ट्राइक ऑफ करना कभी मत भूलना। अगर स्ट्राइक ऑफ नहीं करते हो तो मैं आपको बता रही हूं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आप एग्जामिनर के टाइम वेस्ट करोगे इसको, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक ऑफ नहीं करोगे तो एग्जामिनर इसको पढ़ने लग जाएगा, उसको बाद में पता चलेगा ये रफ वर्क है, तो उसका टाइम वेस्ट आप कर रहे हो। आपको अपनी आंसर बुकलेट को एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर बुकलेट बनाना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी ये वाला जो गैप आप देख रहे हो, ये बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको टाइटल लिखना है। फाइन, तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा। CAPF की प्रेसी और IAS की प्रेसी, दोनों की प्रेसी एक ही तरह की होती है, कहने का मतलब है एक ही स्टाइल में लिखना होता है, और दोनों एग्जाम भी UPSC कंडक्ट करवाता है। दोनों की प्रेसी शीट भी एकदम सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है प्रेसी शीट में। फाइन, तो टाइटल आपको जो आपके इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है जो IAS का होता है उसमें आप इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ना। प्रेसी के इंस्ट्रक्शन में IAS का जो पेपर है उसका मैं बता रही हूँ। ओके, ध्यान से सुनना, IAS के जो पेपर होता है इंग्लिश का उसमें जो प्रेसी का इंस्ट्रक्शन होता है उसमें कभी भी साफ साफ नहीं लिखा रहता है। दे नेवर राइट इट क्लियरली दैट यू हैव टू मेंशन टाइटल। However, they have written in the instruction in many of the question paper that do not mention title. They have mentioned this, do not mention the title, but they have never mentioned that you have to give an appropriate title. यानी
वो लोग ने जो आईएएस का जो इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर होता है उसमें प्रेसी के इंस्ट्रक्शन में ये जरूर मेंशन रहता है कि टाइटल मत सजेस्ट करो. किसी किसी ईयर के पेपर में हमने देखा है कि कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि टाइटल मेंशन करना है या नहीं मेंशन करना, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा रहता. अगर स्टूडेंट्स नहीं लिखा है कि आपको टाइटल मेंशन करना है या नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, तब भी टाइटल मत मेंशन करना. और अगर लिखा रहता है डू नॉट मेंशन एनी टाइटल, डू नॉट गिव एनी टाइटल, तो आपको बिल्कुल भी टाइटल नहीं देना है. ओके तो यानी अगर लिखा है टाइटल नहीं देना है तब मत दो, नहीं लिखा है कुछ भी कि टाइटल देना है या नहीं देना है तब भी मत दो. रही बात सीएपीएफ के प्रेसी के इंस्ट्रक्शन की, तो सीएपीएफ का जो प्रेसी का इंस्ट्रक्शन है जो मैंने पढ़ा नहीं था, मैं अभी पढ़ लेती हूँ. 2017 में सीएपीएफ के प्रेसी का इंस्ट्रक्शन था, अटेम्प्ट द प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल. ये 2017 का साफ साफ लिखा है, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल. राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेसी फॉर्मेट गिवन बिलो. क्लियर, यानी प्रेसी फॉर्मेट में ही आपको प्रेसी लिखना है. और टाइटल सजेस्ट करने के लिए मना किया है 2017 सीएपीएफ का. ओके तो आप लोग यहाँ पर टाइटल नहीं सजेस्ट करोगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, इसलिए बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है. अब मैं 2012 का इंस्ट्रक्शन पढ़ रही हूँ प्रेसी का, सीएपीएफ इंग्लिश. अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस इन योर ओन वर्ड्स, रिड्यूसिंग इट टू अबाउट 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट लेंथ एंड असाइनिंग अ शॉर्ट अप्रोप्रिएट टाइटल. द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली ऑन द स्पेशल प्रेसी शीट प्रोवाइडेड. यानी 2012 के प्रेसी में आपका लिखा हुआ है कि आपको टाइटल सजेस्ट करना है, तो आप टाइटल कहां पे सजेस्ट करोगे, ये वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें आपको टाइटल सजेस्ट करना है. यानी कहने का मतलब है आपको अपने क्वेश्चन पेपर का हर एक इंस्ट्रक्शन को वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फॉलो करना है. क्लियर हो गई बात. अब आप देखिए ये वाला है आपका बॉक्सेस, एक लाइन में 5 बॉक्स, दूसरे लाइन में 5 बॉक्स, तो टोटल मिला के कितने हुए 10 बॉक्सेस. तो यहां पर 10 लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस. ओके दो लाइन में मिला के कितने बॉक्सेस है यहां पर लिखा है. डू नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन. आप ये वाला जो मार्जिन आप देख रहे हो, ये कॉलम आप देख रहे हो ना जहां पर 10, 20, 30, 40 लिखा है, यहां पर आप कुछ भी नहीं लिखोगे. ओके यहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन टू लाइंस, दो लाइंस में कितने बॉक्सेस है वो लिखे हुए हैं. तो फर्स्ट दो लाइन में 10, सेकंड दो लाइन 20, ऐसे कर करके आपके कितने बॉक्सेस दिए हुए हैं. आप देखिए आपके टोटल 320 बॉक्सेस दिए हुए हैं. अब आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि पूरा का पूरा हमें 320 बॉक्सेस फिल करना है, तो ऐसा नहीं है. डिपेंड करता है कि आपके पैसेज का लेंथ कितना है, पैसेज में कितने वर्ड्स हैं. ओके ये आपका जो मैं आपको स्पेसिमेन कॉपी दिखा रही हूं प्रेसी शीट का, ये आईएएस का 2017 के पेपर का है. ओके आंसर बुकलेट का है. अब 2017 के पेपर में इंग्लिश में आपका जो प्रेसी आया था उसका जो पैसेज था वो टोटल 735 वर्ड्स का था, 735 वर्ड्स का था. यानी आपको प्रेसी कितने वर्ड्स में लिखनी है, यानी आपको प्रेसी 267 वर्ड्स में लिखनी है. 267 वर्ड्स का मतलब क्या है कि आप रेंज 10 वर्ड्स कम 10 वर्ड्स ज्यादा आप कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रेंज होना चाहिए. यानी आप अपना रेंज ले सकते हो 57 से लेकर 277 तक, ये आपका रेंज होगा. इस रेंज के बीच में ही आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके प्रेसी में होने चाहिए. ओके तो आपको बहुत ज्यादा बॉक्सेस दे दिए, आप देख रहे 267 में आपको लिखना है या 270 वर्ड्स में लिखना है, और बॉक्सेस कितने दिए 320. तो आपको हमेशा ज्यादा ही नंबर ऑफ बॉक्सेस मिलेंगे, मोर नंबर ऑफ बॉक्सेस देन रिक्वायर्ड, हमेशा ऐसे ही होगा. क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितना बॉक्सेस ऑक्यूपाई करते हो, डू यू ऑक्यूपाई द बॉक्सेस मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये देखना चाहता है.
ठीक है, तो आपको साफ पता चल रहा है 2017 में आपको 270 वर्ड्स तक का लिखना है, यानी आपकी प्रेसी हर हालत में ज्यादा से ज्यादा 270 वर्ड्स या यहां तक खत्म हो जानी चाहिए. ओके, 271, 72, 73, 74, 75 यहां तक खत्म हो जानी चाहिए आपकी, और बाकी आपका खाली रहेगा, है ना. तो प्रेसी आपकी ये वाली इधर खत्म होगी. ओके, 2017 की प्रेसी यहां पर खत्म होनी चाहिए आईएएस की. ओके, अब आप देखिए, अब जब यहां पे आपने खत्म कर दिया है तो यहां पर आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखोगे हर हालत में, ताकि एग्जामिनर को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़े. हालांकि उसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप यहां पर अपना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जरूर से लिखना कि आपने प्रेसी में कितने वर्ड्स यूज किए हैं. वो वर्ड्स आप यहां पर लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. क्लियर हो गई बात? आप ऐसे ही लिखोगे टोटल, TOTAL, सॉरी टोटल नंबर, फिर नंबर लिखोगे NUMBER, फिर ऑफ लिखोगे OF, फिर वर्ड्स लिखोगे WORDS, फिर एक हाइफन दोगे, डैश दोगे, और फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखोगे. समझ में आ गई बात? इंस्ट्रक्शन जरूर से देखना स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसको पढ़ना, समझना और फॉलो भी करना. बहुत लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं मगर फॉलो नहीं करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फाइन, अब मैं आपको प्रेसी के सैंपल दिखा रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स ने फेस टू फेस क्लासेस में जान लेती हूँ वहां पे उन्होंने लिखा है, वो मैं सैंपल आपको दिखा रही हूँ. अब स्टूडेंट्स, ये वाला आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये मैंने करेक्शन किया हुआ है. फाइन, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो लिखे हुए हैं. 10, ये 10 है, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके है. अब ये जो स्टूडेंट है इसने प्रेसी लिखा है, टाइटल जहां स्पेसिमन लिखा है वहां पे ही टाइटल देना था, तो टाइटल इसने नहीं दिया है. अब आप देखिए इसने प्रेसी में क्या क्या गलत किया है, है ना. दूसरों की गलती से भी हमें सीखना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं सोशल लर्निंग. एक तो होता है हम अपनी गलती से सीखते हैं, मगर जो समझदार होते हैं ना वो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं और फिर खुद वो गलती नहीं करते हैं, है ना. इसीलिए मैं आपको एक सैंपल प्रेसी दिखा रही हूं. सबसे पहली चीज, अब आप देखिए सेल्फ लिखा है यहां पर, और यहां पर एक डैश दिया है, और फिर यहां पर विल लिखा हुआ है. मैंने आप लोगों को प्रेसी का जब मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी कि कैसे बेसिक चीज की कैसे लिखनी चाहिए, बॉक्सेस में कैसे लिखनी चाहिए, तब मैंने आपको बताया था अगर आपका कोई भी वर्ड में आपका हाइफन दिया हुआ है, जैसे सेल्फ और विल के बीच में हाइफन दिया हुआ है, तो ऐसे वर्ड को हम दो वर्ड से, मगर फिर भी उस दो वर्ड्स को हम एक ही वर्ड समझेंगे और उसको एक ही बॉक्स में लिखेंगे. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इंडो पाक का, है ना. मगर इसने क्या किया, इसने वर्ड लिखा सेल्फ अलग बॉक्स में, हाइफन दिया अलग बॉक्स में, और विल अलग लिखा, तो गलत है. दूसरी गलती क्या की, अब आप देख रहे हो एक एक पंचुएशन मार्क के लिए इसने एक एक बॉक्स कंज्यूम किया है. पंचुएशन मार्क के लिए अलग बॉक्सेस नहीं होते हैं. अगर आपको यहां फुल स्टॉप देना है तो आप इस बॉक्स में नहीं दोगे, जहां रियलिटी है, रियलिटी के साथ फुल स्टॉप आ रहा है तो फुल स्टॉप आप रियलिटी के साथ ही दोगे. ओके, यहां पर कहीं पे आप फुल स्टॉप दे दोगे. समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसने क्या किया, दूसरी बड़ी गलती, अब ये है ना, जहां पे नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखे 10, 20, 30, इस बॉक्सेस को भी इसने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है. ओके, तो वो भी गलत है, नहीं ऑक्यूपाई करोगे. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं. अब आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत बड़ा वर्ड है, है ना. अब बहुत बड़ा वर्ड है तो आप इस तरह से लिखोगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, है ना. तो आप क्या करोगे, आप इसको, आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा वर्ड है और ये पूरा बॉक्स में आने से थोड़ा मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, जैसे इस स्टूडेंट ने तोड़ दिया है, तो आप वैसे नहीं करोगे. आप डिस्क्रिमिनेशन को छोटे लेटर्स में लिख दो ताकि ये पूरे के पूरे बॉक्स में अच्छे से अलाइनमेंट हो जाए, है ना. जैसे इसने गॉड लिखा, कितने मिडिल में लिखा और कितना अच्छा लग रहा है, बाय द बिफोर ऑन, एकदम मिडिल में है. और आप देख लीजिए जो गैप है बॉटम और टॉप का, लेफ्ट और राइट का, एकदम सिमिलर है, है ना. तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, है ना. मगर यहां पर डिस्क्रिमिनेशन देखिए कैसे लिखा है, तो वो सही नहीं लगता. आप देखिए डिसहार्मनी कितने अच्छे से इसने लिखा है, है ना, एकदम बीचों बीच लिखा. थोड़ा सा इसने ऊपर लिख दिया होता तो अच्छा रहता. ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा है,
अब पंचुएशन मार्क अलग से नहीं देना, इसने अलग से दिया है, ये वाला फुल स्टॉप कहाँ जाएगा, यहां पर जाएगा, ये जो फुल स्टॉप है कहाँ जाएगा, इधर अनरेस्ट के साथ आएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए वो दूसरा प्रेसी है, दूसरे प्रेसी में आप देखिए ये पूरा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए प्रेसी कितने अच्छे से लिखी गई है ना, जो जब फुल स्टॉप देना है तो जहां फुल स्टॉप देना है देखिए वर्ल्ड के साथ यहाँ पे फुल स्टॉप या कोई भी पंचुएशन मार्क अलग बॉक्स नहीं ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, देखिए यहां पर इसने फुल स्टॉप दिया है तो इस वर्ड के साथ ही दे दिया है ना, तो ये एकदम सही है। अब देखिए सेल्फ प्रोक्लेम्ड, अब सेल्फ प्रोक्लेम्ड में सेल्फ और प्रोक्लेम्ड के बीच में हाइफन आ रहा है, यानी वी विल कंसिडर दिस टू वर्ड एज वन सिंगल वर्ड एंड दिस वन सिंगल वर्ड विल ऑक्यूपाई वन सिंगल बॉक्स। क्लियर हो गई ना बात? तो इसने एक ही सिंगल बॉक्स में रखा है तो ये अच्छी बात है। अब देखिए हार्म है, अब हार्म इसने गलत स्पेलिंग लिख दी तो इसने ऐसे क्रॉस कर दिया, स्ट्राइक ऑफ करके यहां पर लिख दिया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आपकी वाइटनर प्रेसी में आप यूज कर सकते हो, मगर मैं कभी लेजरली मत यूज करो कि बस इनडिस्क्रिमिनेटली आप यूज करते जा रहे हो वाइटनर, वैसा काम मत करना। ठीक है, अब वाइटनर यूज कर दो और अच्छे से लिख दो ताकि है ना प्रेसी शीट आपकी डर्टी ना लगे, नीट एंड क्लीन लगनी चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी वाली बात। ठीक है, अब एक और चीज है, जब आप पहली बार, मैंने पहले भी कहा है कि हमें हमारे पास स्किल नहीं है प्रेसी लिखने की, क्योंकि बचपन से जो हमने पढ़ा है ऐसे पढ़ा है कैसे लिखना चाहिए, और ऐसे में हम पढ़ते हैं मैक्सिमाइज करना, हम कभी ये नहीं पढ़ते हैं कि कैसे मिनिमाइज किया जाए, हम हमेशा से पढ़े कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, राइट? तो प्रेसी में हमें मिनिमाइज करना सीखना है, और ये ऐसी नई चीज है जो आपको सीखनी है, और सीखोगे पहले तो सीखनी है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो स्किल है उसमें आपको रिफाइनमेंट लाना पड़ेगा, इनहेंस करना पड़ेगा, तो ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये जल्दी नहीं आएगी। तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं फेस टू फेस क्लासेस के कि मैम बहुत टाइम लगता है, किसी किसी को 3 घंटे लगते हैं प्रेसी लिखने में, किसी को 1 घंटा लगता है, जबकि प्रेसी अगर CAPF का मैं बोलूं तो 15-20 मिनट में प्रेसी खत्म हो जानी चाहिए, और अगर मैं IAS की प्रेसी बोलूं तो IAS की प्रेसी 45-50 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। IAS की प्रेसी जो होती है उसका पैसेज होता है बहुत लंबा होता है, CAPF का जो पैसेज होता है वो छोटा होता है, मगर सेम टेक्निक तो वही है। तो अगर कोई कोई स्टूडेंट बोलता बहुत टाइम लगता है तो फिर वो लिखते नहीं, आउट ऑफ लेजीनेस, अरे कौन इतनी मेहनत करेगा, मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग लिखते ही नहीं है, और वो लोग लिखते नहीं है तो उनकी गलतियां वहीं की वहीं रहती है, उनकी गलतियां कभी नहीं सुधरती, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी गलतियां सुधारो तो आपको प्रेसी लिखना पड़ेगा, प्रेसी लिख के आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल अगर आप करोगे या व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपका करेक्शन करके फीडबैक दूंगी, और फीडबैक दूंगी तो आप अपनी गलतियों को सुधारोगे, फिर नेक्स्ट प्रेसी में वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे, फिर धीरे ऐसे करते करते बाय द टाइम आप 10-12 प्रेसी लिख लोगे, आपकी इनहेंस हो जाएगी स्किल, मिनिमाइज करने की जो स्किल है वो इनहेंस हो जाएगी, और एग्जाम में आप अच्छे से प्रेसी लिखोगे। मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे देते ही नहीं है प्रेसी, मैंने देखा फेस टू फेस क्लासेस में देते ही नहीं है प्रेसी, तो जो अगर देंगे नहीं तो उनकी गलतियां वही की वही रहेंगी, और सीधे प्रेसी कहां लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, और जितनी गलतियां करनी वो सारे एग्जाम में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप कभी ये मत सोचना ओ मैंने पढ़ लिया थ्योरी पार्ट अब मैं सीधे एग्जाम में लिख लूंगा प्रेसी, आई वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, नहीं ऐसे मत सोचना। अगर आप चाहते हो आप अच्छे से लिखो एग्जाम में प्रेसी, आपको मार्क्स आए प्रेसी में, क्योंकि आराम से उठते हैं मार्क्स, स्कोर करते हैं, आई मीन स्कोरिंग होता है प्रेसी, तो अगर आप चाहते हो कि आपको मार्क्स आए तो आपको मुझे प्रेसी लिख के देनी होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।